पिछले कई दिनों से पहाड़ों से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा होता नजर आया है। वहीं यूपी के कई जिलों में भी गंगा का जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में बैराज का एक फटाक भी टूट गया है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल के करीब पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ में मामूली विवाद होने पर ई रिक्शा चालक को कार की खिड़की में लगातार लटका कर 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बैरिकेडिंग लगातार जैसे तैसे गाड़ी को रोका। आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित जान से मारने की धाराओं में केस दर्ज कर कार्यवाही की गई। कराची के सोल्जर बाजार में मरी माता मंदिर को शुक्रवार देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ढहा दिया गया। अल्पसंख्यक हिंदुओं का दावा है कि ये मंदिर 150 साल पुरानी है। हिंदुओं में मंदिर तोड़े जाने को लेकर रोष है। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा है। 14 जुलाई को पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमोलियन मैक्रों द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस रात्रि भोज में पीएम मोदी की उपस्थिति में 2 बार जय हो गाना बजाया गया। मुंबई में हाई टाइटस में एक महिला बह गई। एक दंपत्ति बांद्रा फॉन्ट के किनारे बैठे थे और तभी हाई टाइटस में महिला बह गई। दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बाद में महिला का शव बरामद किया। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। देश भर में खुले बाजार में टमाटर 250 से 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने आम लोगों की राहत के देने के लिए आज से 80 रुपए किलो टमाटर बेचने का ऐलान किया है। NAFED और NCCF के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई जगहों पर बिक्री आज से शुरू की गई है। शाहरुख खान की पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट गई थी, लेकिन इसकी कलेक्शन को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। ऐसे में काजोल के एक स्टेटमेंट में उन्होंने आग में घी डालने जैसा काम किया है। एक्ट्रेस ने SRK से इसकी कमाई को लेकर सवाल पूछ डाला।